तो मैं जानता हूं कि इस वक्त आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि कब दोनों नाम जो मैंने अभी लिए यहां पर आए और अपनी मीठी आवाज में कुछ हमें सुनाए, कुछ इस शो के बारे में बताएं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी की जोरदार तालियों के साथ पलक मुछाल और पलाश मुछाल को मैं बुलाना चाहूंगा यहां पर हमारे बीच। हो जाए एक बार जोरदार तालियां, हो जाए, आइए पलक एंड पलाश। वेलकम टू 92.7 बिग एफएम, आप दोनों का स्वागत, पलक आपके लिए। हम ये जो शो लेकर आ रहे हैं इसका नाम है पल पल आशा। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप हेलो एवरीवन, रियली हैप्पी आप सभी को एक बार फिर से देखकर। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, बिकॉज जैसे कि दिलीप जी ने मेंशन किया, सुरीला सितंबर है और हम सिंगर्स के लिए जितने भी लोग म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं, ये मंथ एक फेस्टिवल जैसा होता है, बिकॉज आशा जी लता जी दोनों का बर्थडे इस महीने में आता है और यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पल पल आशा कॉन्सर्ट, जहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट हम तीनों लेकर आ रहे हैं बिग एफएम के थ्रू। मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल बात इसलिए है बिकॉज आशा जी मेरे लिए माँ सरस्वती जी के समान है और उनके बारे में बात करना, उनके गाने गाना बहुत स्पेशल फीलिंग है। और इस शो की स्पेशल बात ये है कि हम दोनों तो यहाँ पर अनप्लग्ड सॉन्ग्स प्रेजेंट करने वाले ही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 8 सितंबर, पूरे एक हफ्ते चलने वाला है ये शो। साथ ही साथ आशा जी का लाइव कॉन्सर्ट भी आप सभी को सुनने को मिलेगा इस शो में। एब्सोल्युटली, उस कॉन्सर्ट के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पंचमदा और आशा ताई ने मिलकर लाइव कॉन्सर्ट किया था और उसी कॉन्सर्ट को बिल्कुल वैसे ही आप सुन पाएंगे 92.7 बिग एफएम पर। हम साथ मिलकर उस कॉन्सर्ट को सुनने वाले हैं, पलक पलाश और मैं, और पलक और पलाश आशा ताई के ही गाए हुए गाने, अलग अलग अंदाज के डांसिंग नंबर्स हो या फिर इमोशनल नंबर हो या फिर सिलेक्टिव नंबर हो, ये सारे हर रोज की एक थीम के हिसाब से गाने होने वाले हैं। अब अंदर तो हम बहुत मस्ती कर रहे थे, पलाश आप चुप क्यों हैं, आप भी कुछ बोलिए ना। पलक दीदी बोले तो फिर अभी दीदी नहीं, अभी आप बोलिए, चलिए बोलिए। गुड इवनिंग एवरीवन, एंड मैं भी पलक दीदी की तरह और आपकी तरह बहुत एक्साइटेड हूँ ये शो को लेके, क्योंकि मैंने एज अ कंपोजर भी बहुत कुछ सीखा है आशा जी से। जब मैं उनसे मिला था, जो छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई थी उससे बहुत कुछ सीखा है। एंड आज भी हम लोग उन्हीं सॉन्ग्स को लेके ट्राई करते हैं कि उतना मधुर उतना प्यारा गा सके सिंगर्स भी। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। वंडरफुल, एक अलग शो है, एक हटके शो है। नॉर्मली होता क्या है कि आप किसी भी स्पेशल व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो उनकी फिल्म के गाने हो जाते हैं या उनके गाने हो जाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल हटके होने वाला है। कमाल कमाल के गाने जो आशा ताई ने गाए, उतनी ही बखूबी गाने की कोशिश करने वाली, यही मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि आशा ताई ने एक बेंचमार्क सेट किया है। और मैं अपनी तरफ से जरूर इतना कहूंगा कि पलक ने और पलाश ने बिल्कुल कमाल किया है। तो कल से आप शाम 7 बजे 92.7 बिग एफएम पर सुनने के लिए तैयार हो जाइए पल पल आशा। बहुत बहुत सारी अलग अलग थीम है हर रोज की। कौन सा गाना अभी हमारे मीडिया के जो दोस्त आए हैं उनके लिए आप दो लाइनें अगर गुनगुनाना चाहें? वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है आशा जी के इतने सारे गानों में से एक गाना चूज करना, बट स्टिल दिस इज द सॉन्ग जो कि आपका फेवरेट है सर जी। सो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं, यू ऑल कैन जॉइन मी बाय क्लैपिंग। चलिए एक बार तालियां बजा के दिखाइए, जरा तालियां ही नहीं सुनी मैंने यार। हाँ, क्या बात है, वहां से दूर कोने से यहां से चलिए। यस, आगे भी जानी न तू, पीछे भी जानी न तू, जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जानी न तू, पीछे भी जानी न तू, जो भी है बस यही एक पल है।
पल पल विद आशा. अच्छा जी बिल्कुल, पल पल आशा कॉन्सर्ट 92.7 बिग एफएम पर कल यानी 8 सितंबर से आशा ताई के जन्मदिन के मौके पर शाम 7 बजे से. एक आखिरी सवाल आप दोनों से है मेरा, ये सवाल कि जब आप लोगों की पहली मुलाकात हुई थी आशा ताई से, वो लम्हा वो घड़ी क्या थी, क्या कहा था उन्होंने, ये भी हमारे दोस्त सभी जानना चाहेंगे. आशा जी से मेरी मुलाकात रिसेंटली हुई एक अवार्ड फंक्शन में, जहाँ पर मुझे कौन तुझे यूं प्यार करेगा इस गाने के लिए अवार्ड मिल रहा था. तो उस गाने की भी दो लाइनें हो ही जाए मेरे ख्याल से. सुनना चाहेंगे कि नहीं आप लोग? यस चलिए. जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ, हवा के जैसे चलता है तू, मैं रीत जैसे उड़ती हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. इसी गाने के लिए मुझे अवार्ड मिला एंड सबसे पहले मैं आशा जी के पास गई, बिकॉज उनका मेरे सामने होना डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ी बात थी. अवार्ड मिलने से ज़्यादा मुझे उनसे मिलने की खुशी हो रही थी. सो उन्होंने मुझे बस एक ही सेंटेंस का, अच्छा गा रही हो आजकल, रियली रियली हैप्पी. सो दैट वाज माय, क्या बात है, मींस अ लॉट. और आशा ताई से ये सुनना हर सिंगर की एक ख्वाहिश होती है और वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई. आपकी मुलाकात जब हुई तो क्या कहा आशा ताई ने? जब मैं आशा जी से मिला था आई थिंक मैं 17 साल का था, मेरा पहला गाना आया था पार्टी. तो अभी कितना, 17.5? तो जब मैं 17 का था मेरा पहला गाना आया था पार्टी तो बनती है, तो मैं बहुत ही ज्यादा यू नो एंथुसियास्टिक था, फुल एक्साइटेड था. सो मैंने उनको जाके कहा, एक फंक्शन में ही मिले थे, कि मैं अभी कंपोज कर रहा हूँ, ये मेरा गाना है अमिताभ जी के ऊपर. तो उन्होंने बोला, अरे इतनी कम उम्र में, शाबाश बेटा. सो यू नो 5-10 सेकंड वो इतने अच्छे थे कि वो मेरे साथ पूरी लाइफ. और उन्हीं गानों को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उनके जन्मदिन के मौके पर. पल पल आशा 8 सितंबर से कल शाम 7 बजे 92.7 बिग एफएम पर. और अब मैं आप वैसे बातें हो गई, जनरली ये पहले करना चाहिए, लेकिन मैं अब आपका वेलकम करता हूँ एक एक बहुत ही खूबसूरत इस बुके के साथ. पलक थैंक यू सो मच, और पलाश ये आपके लिए थैंक यू सो मच. एंड एक एक अमेजिंग शो होने वाला है, हट के शो है. मैं उसके बियॉन्ड जाकर आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि शायद रेडियो के इतिहास में ये पहली बार जहां पर आशा ताई का लाइव कॉन्सर्ट भी सुन रहे हैं आप, पलक और पलाश को लाइव एंड अनप्लग परफॉर्म करते हुए भी सुनने वाले हैं. सुनना मत भूलिएगा.